हर हर महादेव दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं दम बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है सरिता चौधरी और मैं रहती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा गांव का नाम है माठा। और आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो हमारा नाश्ता पानी हो चुका है, और दीदी जा रखी है चाची लोगों के खेत में क्यारी बनाने के लिए। और मेरा काम है यहाँ पे इतने सारे कपड़े कल से भिगाने रखे हैं, आप जाके धोऊंगी उनको। को धोती हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। और एक काम और रह रखा है, साबुन खत्म, छोटा सा टुकड़ा है उसका। और अंदर कैसे जाऊँ ये सोच रही मैं, क्योंकि अंदर सो रखी है, अंदर सो रही थी हमारी गुड़िया रानी, इतना शोर किए, अंदर जाना पड़ेगा। लो उठ गए, चल सोजा, चल सोजा, ये कर रही वहां से, चल सोजा सोजा, सर पिट्टी विट्टी होगी तेरी, सो जा। देखो तो कैसे स्माइल कर रही, साबुन ले जाती हूँ। मैं सोच रही थी कि नहीं उठेगी, लेकिन उठ गई है तो चुप रहती हूँ। अगर रोएगी तो तब निकालूंगी, वरना रहने देती उसको। तो अपने कपड़े धोती में तो ये देख सकते हो, यहाँ पे भी एक टब भर रखा है, वहाँ पे एक बाल्टी कपड़े की भर रखी है। पापा मेरे को डांट रहे थे कि कितने दिन के कपड़े थे तुझे, कि तुझे अभी धोने पड़ रहे हैं, ऐसे जमा करती है फिर धोती नहीं है। उनको क्या बताऊँ कि यहाँ पे सारे कपड़े रखे थे मैंने, जो आलतू फालतू भी थे सारे कपड़े धोने रखे मैंने। तो जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो दिए हैं। और ये मैडम सोने का नाम नहीं ले रही है, हमारी गुड़िया तो सोने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या हो गया? हेलो गाइस, तो इसकी मम्मी इसको दूध पिला के चले गई है फिर से खेत में, क्योंकि ये रो रही थी। तो मैंने कहा, रो भी नहीं रही थी, मैंने कहा आ जा यार, मैंने कहा वो कब से, क्या पता, मैंने कहा वो खेल रही थी ना, आज तो पूरा दिन भर नहीं रोई भाई, खेलने पर लगी एकदम मस्त से। तो मैंने फटाफट से कपड़े धो दिए थे मैंने, और उसके बाद मैंने दीदी को बोली कि तू आ जा थोड़ा इसको दूध पिलाने के लिए। तो दूध पिला दिया हमने अकोली ने, पर पिया नहीं उसने, उसने गाय का दूध दे दिया था ना मैम थोड़ा उसको, तो उसने को वही पेट में फुल है, तो इसलिए मम्मी का दूध नहीं पिया उसने। तो अभी दीदी चले गए खेत, और इस टाइम पे आ रखे होली वाले, मतलब अल पता नहीं किस गांव के आ रखे हैं। तो ये पहले से चलता आ रहा है कि होली के बहुत, मतलब 1-2 दिन पहले या उससे भी ज़्यादा जल्दी, मतलब आते हैं और ढोल लेके और रंग लेके, तो मज़ा भी आता है उनको देख के। और अभी आ रहे होंगे तो आपको भी दिखाएंगे हम, अगर क्योंकि इसको तो फिर अंदर ले जाना पड़ेगा ना, बच्चे फिर डर जाते हैं, तो इसीलिए इसको अंदर ले जाऊंगी और आपको भी दिखाएंगे हम हमारे गांव में कौन किस गांव के लोग आ रखे हैं होली खेलने, होली मनाने आ रखे हैं। तो अब थोड़ी देर में खाना वाना बनाती हूँ मैं, है ना गोला? अभी तो 11 बज रही है, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर।
तो चले गए वो होली वाले टीका लगा करके, और हमारे गुड़िया रानी को मैंने अंदर रख दिया था। मैंने कहा उन्होंने यहाँ पर डांस नहीं किया क्योंकि फिर ये डर जाएगी, तो इसलिए है ना। तो मैंने नहा भी गई हूँ और खाना खुना बना दिया है। दीदी भी आ गई है खेत से। अब पहले कपड़े कुपड़े धो लेती हूँ मैं, उसके बाद खाना खाते हैं क्योंकि भूख भी लग गई है। पहले कपड़े धो देते हैं फिर उसके बाद खाना खाएंगे। और मौसम आज बादल लग रहे हैं, इस टाइम पे मौसम खराब हो रहा है अभी से, तो देखते हैं बारिश कब तक आती है क्योंकि शाम के टाइम पर बहुत ही तेज हवा चलने लगी है आजकल। आजकल ऐसे ही हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। और चलते हैं, हम दीदी लगा रही है हमारे गुड़िया रानी पे तेल, तेल की मालिश कर रही है आराम से। तो यहाँ पे हमारा ए नंगू कचोरी कचोरी ए नंगू, देखो भंगड़ा का। अच्छा हैप्पी होली ले। अभी दूसरे पार्टी वाले आ रखे थे होली में मनाने के लिए गांव में, और जो पहले आए थे वो चले गए हैं। ये दूसरे वाले हैं, ये साइड से भंगड़ा वाले बोले, इस दूसरे गांव के हैं वो, तो वो आ रखे हैं। कितने छोटे छोटे हैं यार, पर अच्छा हमारे जो रीति रिवाज है वो ऐसे मना रहे हैं। मतलब जो हमारी पिछले पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसको वो मनाते जा रहे हैं। अच्छा लगता है हमको ऐसा, क्योंकि हम लड़कियां जा नहीं पाती है, तो इसलिए जाना तो चाहते हैं पर कोई मानता ही नहीं, आता ही नहीं तो साथ में जाने के लिए। वरना मेरा मन चाहे तो मैं चली भी जाऊँ ऐसे में खेलने के लिए। बाहर पे हवा चल रही थी तो दीदी अंदर लेके उसको मुझे डांट रही बिना बात के। कपड़े दे देती मैं, चले आ मेरे को कपड़े धोने भी तो है मैंने, ले ये उसके कपड़े। और देखो मेरे से लड़ाई करने का काम रहता है इसका, तो चलते हैं फटाफट कपड़े धोते हैं। तो शाम की बज चुकी हैं 4 और मैं जा रही हूँ अभी बांझ के लिए, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है, हवा चल रही है बाहर। तो मैं आ गई हूँ जंगल से बांझ लेके, और एक कंडी गोबर भी डाल दी मैंने खेत में। और दीदी पता नहीं कहाँ है, मुझे लग रहा नीचे वाली गौशाला में है। तो दीदी ने यहाँ पे थोड़े से जो घास फूस थी वो जला दी है, तो यहाँ से दीदी भर रही हैं गोबर कंडी में। दी ये पूरा डालना है तेरे पे, क्यों लगा रखी ऐसी पिठाई उन्होंने, ऐसे ग्रीन भी ना और रेड भी, वो दोनों मिक्सअप हो गए, ऐसे लग रहा जैसे ब्लैक लगा रखी होगी। तो मैंने एक दो कंडी डाल दी है गोबर की, और अब घर जाती हूँ। और एक दीदी लेके आती है थोड़ी देर में, तो मैं घर चले जाती हूँ क्योंकि गाय के लिए पापा जी ने मतलब ऐसा पता नहीं, हमारे पिंडा बोलते हैं उसको, मतलब पता नहीं मिक्सअप रहता है गेहूँ पता नहीं क्या 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 पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें, तो उसको पिसवाने के लिए देना है चक्की पे। तो चलते हैं पहले, तो यहीं पे अपना वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।